गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. इसके पहले 3 पार्ट में हमने देखा कि जिम ने जो अपनी वाइफ कॉनी को लेटर लिखा था वह राइटर ने उसे ओपन करके देखा और सारा बताया है. आज हम इसका न्यू पार्ट पढ़ेंगे यानी इस स्टोरी का 3rd पार्ट स्टार्ट करेंगे. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. पूरा लेटर पढ़ने के बाद में मैंने इसे वापस फोल्ड किया और इसे पैक करके एनवलप में रख दिया. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. और पूरी रात में जागकर ये सोचता रहा कि अब मुझे आगे क्या करना है. आई ड्रोव इन टू ब्रिटपॉट जस्ट अ फ्यू माइल अवे. उसके बाद उसने सोचा कि यह लेटर मुझे मिसेस कॉनी यानी उन्हें देना है, कॉनी को यह लेटर पहुंचाना है. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वर कॉपर ब्रिचेस वॉज. मैंने वहाँ पे एक लड़के से पूछा कि कॉपर ब्रिचेस कहाँ पर है. हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. मतलब वहाँ पे जब मैंने हाउस नंबर 12 जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, एक जला हुआ सा मकान था जिसकी छत टूटी हुई थी यानी गैपिंग यानी उसमें गैप था, दरारें आई हुई थी, विंडो वगैरह कुछ भी नहीं था. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. तो मैंने उसकी अगले घर के दरवाजे को खटखटाया एंड आस्क्ड और पूछा इफ़ एनी वन न्यू द फियर्स अबाउट ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन. क्या कोई यहाँ पे मिसेस श्रीमती मैकपर्सन को जानता है. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर. तो स्लीपर में एक वृद्ध व्यक्ति ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और बोला हाँ. ही न्यू हर वेल. वह उसे अच्छे से जानता है. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी. उसने बताया कि एक लवली ओल्ड लेडी है यानी वह भी अब बूढ़ी हो चुकी है. अ बिट मडल हार्टेड बट एट हर एज शी वॉज एंटर्ड टू बी वॉजंट शी. मतलब जैसे उन बता तो रहे थे बट वह उसके लिए श्योर नहीं थे कि यह उसी के बारे में पूछ रहे हैं या नहीं. अ 101 ईयर ओल्ड यानी 101 साल की वह हैं मिसेस मैकपर्सन. शी हैड बीन इन द हाउस. वह इस मकान में पहले रहती थी. व्हेन इट कॉट फायर. फिर इसमें आग लग गई. नो वन रियली न्यू. कोई भी यह नहीं जानता हाउ द फायर हैड स्टार्टेड कि आग कैसे शुरू हुई. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. लेकिन यह कैंडल्स यानी मोमबत्तियों से लगी. शी यूज्ड कैंडल्स रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. यानी मिसेस मैकपर्सन का मानना था कि बिजली जो है बहुत महंगी होती है, इसलिए वो ऑलमोस्ट कैंडल जलाना ही पसंद करती थी. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. और जो फायरमैन था उन्होंने उसे समय रहते बाहर निकाला घर से. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. ही टोल्ड मी. उन्होंने बताया कि वो एक नर्सिंग होम में है जो कि कहाँ पर है, बर्लिंगटन हाउस में है, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड. जो कि कहाँ पर है, डॉर्चेस्टर रोड पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. यानी यह जो टाउन है इसकी दूसरी साइड वह भी रहती हैं. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ. और मुझे बर्लिंगटन हाउस बहुत ही जल्दी से मिल गया. देयर वर पेपर चर्न्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप. यानी वहाँ पे भी उस दिन क्रिसमस ही था तो सारे तरफ डेकोरेट था, लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी. आई सेड मैंने कहा आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकपर्सन. और मैं एक मित्र हूँ जो कि मैं मिसिस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ. टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. और उनके लिए मैं क्रिसमस के लिए उपहार लाया हूँ. आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट
एंड सिंगिंग। मैंने वहाँ पे देखा कि जो भी व्यक्ति जितने भी थे डाइनिंग रूम में, सभी ने पेपर की हैट यानी टोपी पहनी हुई थी और सभी गा रहे थे। द मार्टन हैड अ हैट ऑन टू, और जो वहाँ पे मार्टन थे उनके भी सर पे टोपी यानी हैट थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर वो बहुत ही खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, मेरे पास आई। मिसिस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, वो यहाँ पे दूसरों के साथ यहाँ नहीं रहती है। शी टोल्ड मी, उन्होंने बताया, शी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थाट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। वह थोड़ी कन्फ्यूज रहती हैं यानी सोच में रहती हैं, तो हमने सोचा कि उन्हें कुछ रेस्ट दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, अभी उनका कोई परिवार नहीं है जैसा आप जानते हैं। नो वन विजिट, कोई वहाँ पर उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर, इसलिए मैं श्योर हूँ, शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, वह आपको देखकर बहुत प्रसन्न होगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वे मुझे वहाँ उस रूम में ले चली जहाँ पे एक चेयर रखी थी और उसके चारों तरफ प्लांट्स यानी पेड़ पौधे थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी है यानी जो मिस मैकपर्सन कॉनी है, वो व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके हाथ उनकी गोद में बांध के वे बैठी थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू अ विस्पी बन, और उनका बाल काफ़ी सफ़ेद हो चुके थे जो कि शाइन भी कर रहे थे, उनका जूड़ा बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, हेलो आई सेड, और वह वहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट द वैकेंटली हैप्पी क्रिसमस कॉनी, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा एकदम जैसे खालीपन से, क्योंकि उनसे कोई मिलने ही नहीं आता था वहाँ पे, और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने उनसे कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, और फिर मैं उनके पास गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे यह पत्र प्राप्त हुआ है और मैंने सोचा कि यह आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे मैं उनसे बात कर रहा था उनकी आंखें मेरे चेहरे को ही देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वह बॉक्स खोला, एंड गिव इट टू हर, और उन्हें दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और यह वह क्षण था जैसे उन्होंने मतलब जो बॉक्स प्राप्त किया तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह एकदम ग्लो कर रही थी। आई एक्सप्लेन, मैंने उन्हें बताया अबाउट द डेस्क, पूरा जो टेबल से उन्होंने ड्रॉवर को निकाला था वह सारी बात बताई। अबाउट हाई हैट फाउंडेड, कि मैंने यह पत्र कैसे प्राप्त किया। बट आई डोंट थिंक, बट मैं यह नहीं सोचता। शी वॉज लिसनिंग, कि वह यह सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी हैड नथिंग बट स्ट्रक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगरप्रिंट्स। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो मेरे पास आई, मेरे हाथ पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, उसने कहा यानी कॉनी ने कहा कि तुमने मुझे कहा था तुम क्रिसमस पे एक दिन जरूर आओगे मेरी प्रिय, एंड हियर यू आर, और आज तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो मेरे लिए तो आज का क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार यही है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ जिम, डियर सिट डाउन, और यहाँ बैठो। मतलब उस समय उन्हें इतनी खुशी महसूस हो रही थी, मिसेस कॉनिक को इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब जो ऑथर गए ना वो यह भी भूल गई कि यह कौन है, और उनके अंदर उन्हें जिम यानी जो उनके हस्बैंड थे वो नज़र आ रहे थे। आई सैट डाउन बिसाइड हर, और ऑथर कहते कि मैं भी उस समय उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चेक, उन्होंने मेरे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, जिम मुझे हर दिन तुम्हारा एक पत्र प्राप्त होता है। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड,
और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और मैंने हमेशा तुम्हें मेरे साथ महसूस किया है। एंड नाउ यू आर, अब तुम यहीं हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब मैं चाहती हूँ कि जब तुम खुद यहीं आ गए हो तो तुम इसे खुद ही पढ़ के सुनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगी जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद हम चाय पियेंगे, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँगी। आई हैड मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस पर बहुत अच्छा केक बनाऊँगी। मर्जी पान ऑल अराउंड, मतलब उन्हें जो जिम था, कॉनी के हस्बैंड, उन्हें मर्जी पान बहुत पसंद है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पान, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मर्जी पान बहुत ही पसंद है। तो इस तरह हमने देखी कि यह कैसे स्टोरी है जिसमें जिम ने अपनी मिसेस कॉनी को एक लेटर लिखा है, और कैसे वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं। इसमें एक वाइफ है जो, मतलब जिम किसी हादसे में चले जाते हैं तो अपने हस्बैंड का वो वेट करती हैं, 101 साल की वह वृद्धा हैं, पर वह हमेशा उनके इंतज़ार में रहती हैं। इस स्टोरी के राइटर हैं माइकल मॉरपुर्गो। थैंक यू।